दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरीर के निशान के आधार पर किस तरह से आप जान सकते हैं कि स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। साथ ही हम आपको बताएंगे एक औरत के गंदे कामों के बारे में जिनसे पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, माता रानी सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और उनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष सात जन्मों के धागे में बन जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती है। अब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उनके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उनका ध्यान रखे, उनका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना करता है जो उसके घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में चार चांद लग जाए। वो सद्गुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं सकते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है और उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं समुद्र शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिससे पत्नी घर को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके लंबे, घने, काले बाल अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा। बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत ही दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं और होठों पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और इन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती है, हथेलियों पर शंख और चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जंघा मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नर्म होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के ही कहे गए हैं।
नौवीं बात, जिन महिलाओं की नाभि गोल गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती है। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिनमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। ऐसे में जब भी पत्नी गरीबी और बर्बादी आने से पहले ये पांच गंदे काम करती है तो इससे पता लग जाता है कि अब पति की बर्बादी शुरू होने वाली है। घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। पत्नी की ये गंदी हरकत उसे बांझ भी बना सकती है। भगवान करे ये पांच गलतियां कोई भी पत्नी ना करे। दोस्तों, नंबर एक, शादी होने के बाद एक स्त्री को अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए। जब कोई स्त्री पराए मर्द से आंखें मिलाकर बातें करने लगे तब घर का विनाश उसी क्षण होने लगता है। ऐसे में वो स्त्री पराए मर्द से संबंध भी बनाने लगती है और वहीं पड़ोसियों से तालमेल ज्यादा रखने लगे। पति की हैसियत से ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ जाए, बेवजह खाने लगे, तब उसी समय से पति की बर्बादी शुरू हो जाती है, घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। ये एक संकेत है। दोस्तों, नंबर दो, शास्त्रों में स्त्री को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, वो स्त्री बेवजह लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखे, सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे, ऐसे में वो स्त्री मैले वस्त्र पहनने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर को महालक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि एक बर्बादी का संकेत है। दोस्तों, नंबर तीन, जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान व मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोछा लगाने लगे, ऐसे में बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जो महिला मुख से कड़वे वचन बोलती है, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को लात से मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, बच्चों पर अत्याचार करना, जानवरों को लात से मारना, तब उसी क्षण घर का विनाश होना निश्चित होता है और ऐसी स्त्री हमेशा बांझ रहती है। दोस्तों, ये वो संकेत है जो बताते हैं आपके घर में विनाशकारी गरीबी और बर्बादी आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, आम तौर पर महिलाएं ये बड़ी गलती करती हैं। इस बात का आप भी जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ अपने पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब पति खाना खाने बैठता है तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उन्हें नई नई बातें बोलती हैं और कड़वे वचन खाना खाते समय अगर पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल रहता है। तो इस कारण ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।